तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली का एक बयान सामने आया है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हर किसी की अपनी मर्जी है वो क्या कपड़े पहने, पर लड़कियों को खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे कपड़े ना पहने कि किसी को दिक्कत हो। पूरा ढका हुआ ड्रेस होता है, जैसे इस्लामिक ड्रेस होता है या फिर हिंदूज में होता है कि पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, सिर पे पल्लू होता है, वैसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। क्योंकि जब वो लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं तो जो बाकी हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और अगर वो जो लड़कियां हैं पूरा ऐसे ट्रेडिशनल वेयर करती हैं कोई ड्रेस तो सबको कंफर्टेबल फील होता है। उन्होंने ये कहा है कि यूरोपियंस की तरह ड्रेस मत पहने, और ये बयान उन्होंने दिया क्योंकि एक इंसिडेंट जो हैदराबाद के ओल्ड सिटी में हुआ था, एक कॉलेज में लड़कियों को बुरखा पहन के अलो नहीं किया जा रहा था, उस पर उन्होंने ये बयान दिया है। अब ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है, बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि आप क्यों टिप्पणी कर रहे हो कि इसको क्या पहनना चाहिए या किसको नहीं पहनना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। फिलहाल तेलंगाना के होम मिनिस्टर जो है महमूद अली, उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। कूलर बाजी है, इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। तो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू पहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनिए, क्योंकि वो पले पे पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं, और एक अच्छा ड्रेस हमारा उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और औरतें खासतौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सर गुरफाज नहीं।